सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बाबा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अब परेशान ना हो आप। ये सारा खेल हमने उस गद्दार को पकड़ने के लिए खेला। हमारी सेहतियाबी के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, ऐसा ना हो कि हमें आपको यहाँ बुलाने पर पछताना पड़े। दुआ है अल्लाह उन्हें सेहत दे। झूठ कहा है सब लोगों से ताकि पकड़ा जा सके गद्दारों को। बंद आंखों को देखकर गलतफहमी में मत पड़ जाना, जल्द ही ये ठीक हो जाएगी और बता देगी कि महमूद पाशा ने इसे इस हालत तक पहुंचाया। बाहर आ जाओ, चलते हैं पाशा, चलते हैं। सुल्तान को जहर नहीं दिया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। कौन है वो बदजात? महमूद पाशा। ठीक है, आज से हरम आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि किससे उलझ रही है। गोली बाजू को छूकर निकल गई। लेकिन गोली किसने चलाई तुम पर? अब्दुल हमीद का जासूस था वो। महमूद पाशा, सुल्तान के हुक्म से ये काउंसिल तश्कील दी गई है और हमारा फरीजा आपसे तफ्तीश करना है। वो लड़की जिसने हमारे सुल्तान को जहर देकर मारने की कोशिश की, उस लड़की को तुमने कानून की कैद से फरार करवाना चाहा और सुल्तान मुअज्जम ने तुम्हें खुद गिरफ्तार किया। उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है? क्या उसे जहर तुमने दिया था? बताइए महमूद पाशा, बताइए। पाशा हजरत, मैं उस्मानी खानदान की एक शहजादी का शौहर हूं, जबकि तुम सब लोग एक आम पाशा हो। तुम्हारी मुझसे सवालात करने की ना तो हैसियत है और ना ही इतनी ताकत है। हम यहां अपने सुल्तान की मंशा के तहत आए हैं, सोच समझ कर बात कीजिए। मेरा मकसद आप लोगों की बेइज्जती करना नहीं है, लेकिन सुल्तान को जाकर बताइए, मैं सिर्फ उन्हीं को जवाब दूंगा, उनके दफ्तर में उनके सामने। ये मेरा हतमी फैसला है। सुल्तान को जवाब देंगे उनके दफ्तर में उनके सामने है। हर तरफ छोटी छोटी पिस्तौलें छुपा कर रखता है,
अच्छी तरह देखो महमूद पाशा, कोई ना कोई पिस्तौल यहां आसपास होनी चाहिए। ये हुई ना बात। महमूद पाशा, ये सच है कि यहां एक पिस्तौल मौजूद है, मगर क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम गोली चला सको सुल्तान पर? पाशाजादे, बेचारे बदकिस्मत पाशाजादे, अगर आपको रोने के लिए कांधा दरकार है तो इस नाचीज का कांधा हाजिर है पाशाजादे। हुआ क्या है सफत? खौफनाक बातें हैं शहजादे, बहुत ही खौफनाक। सफत आगा, सुल्तान ने इनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया है, वो कैद में है शहजादे। सुना है गद्दारी की है, ये भी हो सकता है कि फांसी दे दी जाए उन्हें। मैं भी एक यतीम हूँ, यतीम होने का दुख क्या होता है मैं जानता हूँ शहजादे। सफत, शहजादे, पाशाजादे, शहजादे, पाशाजादे, मुझे जाना होगा शहजादे। कहाँ जा रहे हैं सबातीन? आपको ये खबर सबको देनी है क्या? मेरे भाई, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। बाबा ने उस छुरी के बारे में बता दिया तो चाबी मिल चुकी है, चलकर देखते हैं हम। उसे वहां नहीं रहना चाहिए शहजादे। ऐसे नाजुक वक्त में भी आप मेरी फिक्र कर रहे हैं सबातीन, एक भाई से बढ़कर हैं आप मेरे लिए। चलिए, दर्द हो तो पानी में दो कतरे हल करके पिला दें, आराम आ जाएगा। ये लीजिए डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आ गए आप मिस्टर हर्जल। देखने में बीमार तो नहीं लग रही, फिर ये डॉक्टर क्यों? कैसे मालूम हुआ कि वो डॉक्टर था? टोपी चश्मा पहने, हाथ में बैग लिए, कोई दोस्त हो नहीं सकता। इस सूटकेस में मेरा जाती सामान है। तुम्हें एक शख्स से मिलवाती हूँ जिससे मिलकर खुशी होगी। आओ हर्जल। मिस्टर थियोडोर हर्जल। समीर, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था। नहीं, मैं ठीक हूँ सारा। मिस्टर हर्जल, ये है जही नौजवान सहाफी। जनाब, मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार हूँ। आप मेरे सामने हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। आराम से, आराम से, आराम से बैठिए, आइए। मेरा नाम समीर है। मिलकर खुशी हुई, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। अब्दुल हमीद के जासूस ने मुझे खामोश करने और हकीकत लिखने से रोकने के लिए गोली मार दी मिस्टर हर्जल। वाकई ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं कि आपको गोली लगी, बल्कि मेरी मुलाकात एक हुर्रियत पसंद से हो गई। इसलिए वो समझते हैं हमारे नजरियात और आजादी की जंग को इस तरह जुल्म करके रोका जा सकता है। वो सरासर गफलत का शिकार है, उन्होंने अब तक हुर्रियत के मतवालों की ताकत नहीं देखी। मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा, जब कॉलम लिखें तो इसी से लिखिएगा। थियोडोर हर्जल ने मुझे कलम तोहफे में दिया है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? मुस्तकबिल की तामीर आप जैसे नौजवानों से ही होती है, ऐसे ही लिखते रहें।
ये कलम उस्मानी तलवार से ज्यादा काटदार है, गोली से ज्यादा तेज रफ्तार। इसके सामने खड़े होने वाला बेवकूफ होगा। सुल्तान की मौत का फरमान हमारी जिंदगी का फरमान होगा। ये जंजीरें आजादी को नहीं रोक सकती और ना ही कोई जेल हमारी आवाज को दबा सकती है। कौन सुल्तान इसकी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है? अब्दुल हमीद, तुम्हारा माजी मिट जाएगा और मुस्तकबिल में किसी को याद तक नहीं होगा। खूनी सुल्तान। जो रियासत ये देना जानती है वो इसे वापस लेना भी जानती है। महमूद दावती। गद्दारी क्यों की तुमने? मैंने गद्दारी नहीं की। उस लड़की को बचाने की कोशिश की जिसने हमें जहर दिया, क्योंकि उसे तुमने ही भेजा था इस काम के लिए। मेरे सुल्तान, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। तो फिर उसे बचाने की वजह क्या थी? उन्होंने मुझे धमकी दी। आप बहुत बीमार हो गए थे, मैं तो रियासत के मुस्तकबिल की फिक्र कर रहा था बस। उस लड़की को अगवा करके। सुल्तान मौसम, आप पर कातिलाना हमला करने वाला हिरम आफंदी मुझसे मिला, कहा अगर लड़की को अगवा न किया तो नौजवानों को सड़कों पर ले आएगा और पूरे शहर में इंतशार फैला देगा। उनको रोकने की एक ही सूरत है कि लड़की को उनके हवाले कर दूं और रियासत को इंतशार से बचा लूं। लिहाजा मैंने जो कुछ किया वो अपनी रियासत के भले के लिए किया, इसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। ऐसा करने के लिए उनका तरीका क्या हो सकता है? मेरे सुल्तान, आपके खिलाफ लिखने वाले उस सहाफी को एक जाली उस्मानी जासूस के हाथों मरवा दिया जाएगा और इसके बाद उस सहाफी की हिमायत में तो लबास सड़कों पर आ जाएंगे और हर जानिब इंतशार और अफरा तफरी फैलाएंगे। इसलिए मुझे उस लड़की को लेकर जाना चाहिए। हरगिज नहीं। मैंने आपको असल वजह बता दी है कि उस लड़की को अगवा करने की कोशिश क्यों की थी। मेरे सुल्तान, आपकी शाहाना अता से मुआफी का तलबगार हूं मैं। पहले हम अखबारात का मुताला करेंगे, महमूद अफंदी। शुक्रिया मेरे सुल्तान। अगर उन अखबारात में ऐसी कोई खबर नजर आई तो तुम्हारे सर पे छाए शक के बादल फिलहाल छट जाएंगे महमूद अफंदी। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। तहसीन पाशा, महमूद अफंदी महल में मेहमान है, मेजबानी कीजिए इनकी। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। मेरे सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो पाशा की जिम्मेदारी वापस ले लूं मैं। तुम्हारी वाहिद जिम्मेदारी रियासत से वफादारी है। आपको जहमत दी हमने। शर्मिंदा ना करें शहजादे। महमूद
पाशा ने चोरी हमारी तिजोरी में रखने तक की जहमत नहीं की। चाबी वापस मिल गई आपको, हिफाजत कीजिएगा इसकी। हम आपके वालिद के इरादे अब तक नहीं समझ सके, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आखिर चाहते क्या है वो हमसे? असल में वो भी हम दोनों से कुछ अलग नहीं है, आजाद उस्मानिया रियासत चाहते हैं वो, लेकिन उनका तरीका कार गलत है। हम पर जिन्होंने हमला किया था उनसे पूछगछ की तुमने? जी मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने रात को ही उन्हें तलब किया था, लेकिन उन्हें आपकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। महमूद पाशा के लिए काफी अरसे से वो दोनों काम कर रहे हैं मेरे सुल्तान, लेकिन मंसूबे के बारे में नहीं जानते। रिहा कर दो उन्हें। जो आपका हुक्म। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा ने लड़की को अगवा करने की क्या वजह बताई? उनका कहना यह है कि उन्हें धमकी दी गई थी। वो कैसे सुल्तान? अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुलावा सड़कों पर इंतजार फैला देते। रियासत के लिए किया उन्होंने ये सब। मुमकिन है खुद को बचाने के लिए ऐसा कहा उन्होंने। हो सकता है पाशा। उनका यह कहना है कि सहाफी के कत्ल के बाद तुलावा सड़कों पर आ जाएंगे। आप तीनों आज शाया होने वाले तमाम अखबारात का मुताला कीजिए। कोई ऐसी खबर शाया हुई है क्या जिसमें सहाफी पर हमले का जिक्र है? जैसा आपका हुक्म। तहसीन पाशा, मौका ना हो तो अपने ख्यालात का इजहार ना करना ही बेहतर है। माजरत चाहता हूं सुल्तान। हम जानते हैं कि महमूद पाशा कहीं ना कहीं इसमें मुलव्वस हैं, और उनके बेकसूर साबित होने तक हमारी राय यही रहेगी। मगर जहां तक बात गद्दारी की है तो वो तन्हा नहीं। हो सकता है कि वो कठपुतली हो। उनकी डोर हिलाने वाले को तलाश करना है। इंशाल्लाह। सुल्ताने मौसम। कहो सफत। बहुत दूर से एक मेहमान आया है। महमूद पाशा गिरफ्तार हो चुके हैं। और मलिके कहाँ है वो? मैंने कहा महमूद पाशा गिरफ्तार हो गए हैं, और आप पूछ रही हैं मलिके कहाँ है? वो जहर देने वाली बात अब्दुल हमीद का सिर्फ एक खेल था। उस लड़की को बचाते हुए बाबा पकड़े गए। कौन मलिके? मिस्टर हर्जल, आप यहाँ? हम आपका इस्तकबाल ऐसी खबरों के साथ नहीं करना चाहते थे। महमूद पाशा की गिरफ्तारी से हमारे सारे राज फाश हो सकते हैं। आप परेशान ना हो मिस्टर हर्जल, बाबा कुछ नहीं बताएंगे। और उनके तसर्रुफ में दिए गए सरमाए से रुमेली रेलवे के शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। बहुत आला। महमूद पाशा को हम अपने साथ जबरदस्ती ले जाएंगे, वो भी पैसों समेत। घबराओ नहीं, समीर है अंदर। समीर भी यहाँ है? अब्दुल हमीद के जासूस ने गोली मारी है, उसे जख्मी है। मलिके के बारे में सारा आपको तफसील से बता देगी। इजाजत दीजिए मुझे। मेरे भाई समीर, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए। मुमकिन हो तो एक काम कर दो, मेरा ये मेरे दफ्तर पहुंचा दो। क्या है ये? बगावत की दावत। अगर सुल्तान की वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा हुआ तो हम सुल्तान समेत पूरे महल को आग लगा देंगे, लेकिन पहले तुम्हें अस्पताल लेके जाना होगा ताकि वो अपना अधूरा काम मुकम्मल कर सके। कमालुद्दीन पाशा। शहजादी, आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आपको मालूम है रियासती मामलात हैं, जरा जल्दी में हूं, इजाजत चाहूंगा। पर
पाशा, शादी का कोई इरादा नहीं है क्या? इरादा तो है, लेकिन लेकिन ये राज रखना। वो जो शहजादी खदीजा है ना, सुल्तान मुराद की बेटी। बिल्कुल ठीक कहा पाशा, उन्होंने कुछ दिन पहले हमें एक खत लिखा और अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये बात है पाशा, खुश रहो। जलाल भाई, आप ये पाशा पाशा क्यों करते रहते हैं? आप वैसे क्यों नहीं रहते जैसे अस्करी तरबियत गांव में रहा करते थे? मैं तो पहले ही उस एजाज की वजह से तंग हूं जो मुझे अपने वालिद की वजह से मिला है। वालिद उस्मान पाशा की वजह से नहीं, बल्कि बेहतरीन तालिब इल्म होने की वजह से। तुम नहायत नफीस और आला दर्जे के इंसान हो, हकदार हो पाशा। चलो फहीमे, देखिए जरा क्या आपको ये आस्तीन ठीक लग रही है। लड़कियों, पोपी जान खैरियत तो है? नहायत परेशान कुन बात है, महमूद को गिरफ्तार कर लिया है। जब हमारे सुल्तान बीमार है तो ऐसा हुक्म कौन दे सकता है? आपको पता नहीं चला खदीजा, बीमार थे ही नहीं वो। अब्दुल हमीद बिल्कुल सेहतमंद है, ये सब उनका एक खेल था। हमें ये बताइए, अपने बाबा को खत लिख दिया था आपने? पुपी जाना, आप बेफिक्र हो जाइए। कैसे बेफिक्र हो जाए हम? सुल्तान बिल्कुल सही सलामत है, अगर वो खत जाहिर हो गया तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। परेशान ना हो पुपी जान, जब मैं बाबा को खत लिखने बैठी तो बाजी ने सूरत हाल भांप ली थी और उसी वक्त खत को फाड़ दिया। दरअसल नई में बहुत खुश नजर आ रही थी, इसी वजह से पहले ही शक हो गया था हमें। शुक्र है अल्लाह का। खदीजा, पुपी जान, हमें इस मामले से दूर ही रखिए आप, यही बेहतर है। खुशामदीद कारगो पोला सफंदी। शुक्रिया मेरे सुल्तान, इनसे मिलिए। याकूब हर्जल, थियोडोर हर्जल के वालिद। मैं आप और आपके जासूस का शुक्रगुजार हूँ मेरे सुल्तान। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरा बेटा मुझे दोबारा कैद कर देता। आपके बेटे की तस्वीर पहले ही आ चुकी है याकूब अफंदी, यहूदियों का खुफिया इजलास मुनक्किद किया था उसने। हमें यह खबर कारगो पोलिस अफंदी ने पहुंचाई थी, उसने इजलास में एक झंडा भी बनाया था, नील और फरात के दरमियान यहूदी रियासत की अलामत। सुल्तान मुअज्जम, इसका कसूरवार मैं हूं। वो कैसे? मैं कई साल पहले अर्ज़े मौदा के नजरिए पर मुकम्मल यकीन रखता था, उसी के मुताबिक मैंने अपने बच्चे की परवरिश की। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो पैगंबरों को कत्ल करने वाले उन जालिमों के झूठ थे। ये नजरिया यहूदियों और फलस्तीन के कुर्बो जवार में रहने वालों के लिए अजाब बनने वाला है। हमें आप जैसे जीरक यहूदियों को देखकर बड़ी मसरत होती है। जब तक हम हयात हैं, फलस्तीन में यहूदी रियासत कायम नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा अल्लाह से। तहसीन पाशा, याकूब अफंदी महल में हमारे मेहमान हैं। जी बहुत बेहतर मेरे सुल्तान, आप हमारी हिफाजत में रहेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शुक्रगुजार हूं मैं सुल्ताने मुअज्जम। बहुत जल्दी में हो सबाहद्दीन, अखबार में खबर छपवानी है। तुम भी सहाफी बन गए? ये मेरी नहीं, मेरे दोस्त समीर की खबर है। वो मरा नहीं क्या? तुम कैसे जानते हो इस बारे में? गोली मैंने ही चलाई थी। क्या, तुम्हारी जुर्रत कैसे? तुम्हारे बाबा ने हुक्म दिया था। मेरे बाबा ने? परेशान मत हो, सुल्तान का जासूस जाहिर किया था खुद को। हर्जल अंदर है क्या? समीर भी वही है, अंदर वाले कमरे में। ख्याल रखना समीर तुम्हें देख ना पाए, समझ गए? आ जाइए। हम आपके लिए बहुत परेशान थे।
बाबा को शहर आपने दिया ये सुना था। मेरी याददाश्त चली ना गई होती तो शायद दे भी देती। हम जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। यही सच है, हम हकीकत से फरार नहीं हो सकते शहजादे। लगता है मेरा मासी बहुत तारीख है। याददाश्त वापस आने से डर लगने लगा है मुझे। माजी जानना जरूरी नहीं, जो है वो ठीक है। नई कहानी भी लिखी जा सकती है मिलकर। लिखे हुए कागज पर दोबारा नहीं लिखा जाता। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई और ऐसे सफात बाकी हैं जिन पर कुछ नहीं लिखा गया। उन पर हम एक नई कहानी लिखेंगे। झूठी कहानी? हमारी मंगनी हो चुकी है, मगर वो मजबूरी में की थी, बाबा की मर्जी थी। पाकी से आ जाएगी तो हम ये मंगनी खत्म कर देंगे। किस लिए? क्योंकि हमें कोई और पसंद है। मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत कहिएगा जो मेरे जहन में। हमारे जहन में सिर्फ आप हैं। इतनी परेशानियों में घिरने के बावजूद भी हमें सिर्फ आप ही याद होती हैं। ठीक है, तो फिर मैं वहां से जवाब दे देती हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। मेरे रवैये को देखकर कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते। जज्बाती वाबस्तगी से पहले ही आपकी रूहें एक दूसरे के साथ मिल चुकी होती है और मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले होंगे। यानी ये कि कोई गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा हुआ तो मैं महल में नहीं रुकूंगी। आप दोनों की खुशी के लिए यहां से चली जाऊंगी। लड़कियां हमेशा उन लड़कों को उम्मीद दिलाती हैं जो उनसे लगाव रखते हैं, मगर खुद उनका साथ निभाने का इरादा नहीं होता। चाहती है कि कोई उन्हें याद करता रहे, लेकिन आप उन जैसी नहीं है। यही वजह है कि हम आपको पसंद करते हैं। अगर मुझे कहने का हक है तो जाइए। जिंदगी की किताब में अभी बहुत से सफात खाली हैं। हम तो सिर्फ एक मोहब्बत भरा कलाम है। सोचिएगा। हर्जल, बाहर एक आवारा सा इंसान है, क्या उसी का इंतजार था तुम्हें? आने तो हैरम होगा। हैरम, कितने जवान लग रहे हो तुम। सब सुन चुका हूं मैं। हर जगह मुदाखलत मत करो।
एहतियात से। मैं जानता हूं क्या करना है मिस्टर हर्जल। वाह 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 वाह, इससे तो मैं पूरे इस्तांबुल की गर्दन दबोच सकता हूं। वक्त आने पर वो भी कर लेंगे। बेफिक्र हो जाएं, पूरा इस्तांबुल हिल जाएगा इसकी आवाज से। सुल्तान अब्दुल हमीद काफी होगा। ये तो वही साफी है ना समीर? तुम इसे कैसे जानते हो? हाँ, जिसे गोली मारता हूं उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। क्या? महमूद पाशा ने हुक्म दिया था। लेकिन किस लिए? अब्दुल हमीद के मुखालफिन को गोली मारकर अफवाहें फैलाई जा सके, इसलिए। वैसे ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा। मुझे कहा कि इसको जख्मी कर दो, ये सुल्तान के खिलाफ और भी जहर उगलेगा। दुरुस्त कहा, यह अभी भी लिखने की कोशिश कर रहा है। मतलब काम हो गया, इसकी तहरीर पढ़ के तालिबे इल्म सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा धमाका होगा और अफरा तफरी फैल जाएगी। जब अफरा तफरी होती है तो किसी भी कार्रवाई के लिए आजादी का वक्त होता है। अगर सुल्तान के होते हुए हम ना होने का लोगों को यकीन हो जाए तो ये बड़ी कामयाबी है। सही कहा जनाब। आ जाइए। अगर आप अपने शोहर के लिए आई हैं तो जहमत ना कीजिए। नहीं सुल्तान मुअज्जम, अपने शोहर के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे हम आपसे। तो फिर क्या बात है? सबसे पहले तो आपकी सेहत के लिए अल्लाह की शुक्रगुजार हूं। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि हम भी इस खानदान का फर्द हैं। अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो जाता तो आप जानते हैं हमें हमारे खानदान और सल्तनत की फिक्र लाहक हो जाती। बात क्या है, बयान कीजिए हमशीरा। कहना यह है हमें, अगर महमूद पाशा इस रियासत के गद्दार साबित हो जाते हैं तो आप उन्हें सजा देने का हक रखते हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसमें हमारा या हमारे बेटे का कोई हाथ नहीं। हम भी यही समझते हैं कि आप इसमें मुलव्वस नहीं हैं। सुल्तान मौसम, अगरचे हम मुलव्वस नहीं मगर फिर भी हरम की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहते हैं। ठीक है, आप आजाद हैं। पीलो ठंडी हो जाएगी। मेरे भाई, अगर यखनी ठंडी भी हो जाए तो हलक से गुजरकर गर्म हो जाएगी, क्योंकि जल रहा हूं मैं। मैं कुछ समझा नहीं, सुल्तान पे जो हमला हुआ उससे उस आदमी का क्या ताल्लुक है? कोई बड़ा खेल है यूसुफ। पहले महमूद पाशा ने खुद पर गोली चलाई और फिर तस्वीर वाले आदमी पर गोली चलाई गई। मुझे लगता है यह सब सुल्तान को बता देना चाहिए। हमें क्या लेने देना है, जो हो रहा है होने दो उमर। किससे क्या लेने देना है तुम लोगों ने? कुछ नहीं बाबा जान। आसिम उस्ताद, लगता है आपके बेटे को महल की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। जिन लोगों ने सुल्तान पर कातिलाना हमला किया था उन्हीं के बारे में सोचता रहता है ये। उस कातिल को जब बंदरगाह पर देखा तो उसे पकड़ने दौड़ पड़ा और आज जब बाजार में देखा तो मैंने इसे कहा अपना काम करो, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, सुल्तान के पास बहुत सिपाही है, वो देख लेंगे उसे। सिपाही हैं तो क्या हुआ यूसुफ, वो खबीस सुल्तान को कत्ल करने वाला था। वहां भी तो बहुत सारे सिपाही थे,
लेकिन उस हमले में सुल्तान को मैंने बचाया था। तो सुल्तान को तुमने बचाया था? इसीलिए वो तुम्हें महल में बुलाते हैं। जो कुछ भी हुआ अब इस बात को जाने दो उमर, ये महल की सियासत हमारी समझ से बाहर है। मेरे बेटे, पुरानी बात है, मरहूम सुल्तान अजीज का दौर था, उनके कायम मकाम हमारे गांव आए थे। उन्होंने कहा मुहाफिज लश्कर के लिए फौजी भर्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ आसिम उस्ताद आप नहीं गए। जा नहीं सका मैं, मैंने तो शमूलियत के लिए दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन घर जाते हुए मेरे एक दोस्त ने कहा महल के दरवाजे पर गुलाम बनने जा रहे हो, पागल हो क्या? तब मैंने अपना नाम वापस ले लिया। तो बाबा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे गांव में एक सलीम नामी दरवेश रहा करते थे। उन्हें जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने मुझसे वजह पूछी। मैंने कहा मैं सुल्तान का गुलाम नहीं बनना चाहता। दरवेश सलीम ने मेरी तरफ देखा और कहा वो तुम्हें सुल्तान की गुलामी के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि और सरदार की नस्ल की हिफाजत के लिए बुला रहे हैं। बेवकूफ लड़के, ये कहा और चले गए। मैं जब दोबारा अपने नाम के इंदराज के लिए वहां गया तो उन्होंने कबूल नहीं किया। बेटा, हम तुर्क लोग हैं और तख्त पे बैठा सुल्तान और सरदार की नस्ल से है। आसिम उस्ताद आप तो कहते थे ना कि अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, लेकिन तकदीर ने उमर को उस गोली के सामने ला खड़ा किया जो उस सरदार पर चलाई गई थी। सिर्फ अपना मतलब मेरे बेटे की फितरत में शामिल नहीं। जब तकदीर खुद इसे बुला रही है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमने सऊद के उस चश्मे का पानी पिया है जिससे उस्मान गाजी ने पिया था। मेरी नसीहत याद रखना, उस्मान गाजी की औलाद जब तुम्हें हुक्म दे तो बगैर सवाल किए उस पर अमल करना। उमर भाई, मेरे बहादुर, मेरे शेर, आप महल में खादिम होंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ो इसे छोड़ो। आप वाकई शेर हैं भाई। आ जाइए मेरे सुल्तान। खुश आमदीद मेरे बहादुरों। सुल्तान मौजम, हमें एक अखबार मिला है। समीर नामी एक सहाफी है जिस पर हमला किया गया है। उसने एक मजमून लिखा है, लिखा है कि सुल्तान के जासूस ने कातिलाना हमला किया है उस पर। वही पुराना खेल, हुकूमती नुमाइंदे के भेस में किसी भी शख्स को गोली मार दो और निजाम को मफलूज कर दो। यह हादसा महमूद पाशा की बात की तस्दीक कर रहे हैं मेरे सुल्तान। लेकिन इतनी आसानी से महमूद अफंदी हमारा इतमाद बहाल नहीं कर सकते। मेरे सुल्तान, इस मजमून के नतीजे में नौजवान इंतशार फैला सकते हैं। इसकी तरसील से पहले हमें अखबारात जमा कर लेने चाहिए। अल्लाह खैर करे, तुलबा की तरफ से शुरू की गई तहरीक पाया तख्त के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अखबारात को जमा करना लाजमी है। सुल्तान मौसम, बताइए क्या हुक्म है आपका? ऐसा हरगिज नहीं करना। अखबारात भेजने दो नहीं। जो आपका हुक्म। अब्दुल कादिर, क्या आपको चाबी मिल गई? जी मिल गई, लेकिन कोई फायदा नहीं।
क्या मतलब कोई फायदा नहीं? वो छुरी कहाँ है? वहां कोई छुरी मौजूद नहीं थी वालिदा। महमूद पाशा ने खेल खेला हमारे साथ, मगर अब हम महफूज हैं। शुक्रिया सबाहद्दीन का, हमारे कहने से पहले ही वो चाबी ले आए। ठीक है, मगर फिर भी आप पूरी तरह मोहतात रहिएगा। अब हम इस बोझ से आजाद हो चुके हैं। महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है, सुना नहीं आपने? सुना है शहजादे, मगर सबाहद्दीन और सनीहा सुल्तान के किरदार से अभी तक हम पूरी तरह वाकिफ नहीं है। वालिदा, पोपी जान का इस सबसे क्या लेना देना? हमने कहा ना, सबाहद्दीन ने हमें खुद चाबी ला कर दी। वो दोनों महमूद पाशा के शैतानी हरबों से नवाकिफ हैं। उम्मीद है कि ये सच हो, लेकिन अभी यकीन से नहीं कह सकते अब्दुल कादिर। तो क्या करें हम? सब्र कीजिए, पहले हमें हरम का इख्तियार वापस मिल जाए, उसके बाद क्या करना है बताते हैं आपको। यहां इंतजार करने को कहा है। काफी मसरूफ लग रही हैं आप। मसरूफियात की वजह से परेशानियां भूल जाती हूं। मेरे पास आपके लिए एक खबर है, पता नहीं उससे आपकी परेशानी कम होगी या बढ़ेगी। वो क्या? उस तस्वीर में आपके साथ जो आदमी था, उसे कल रात देखा मैंने। वो कौन है? उससे बात हुई क्या? मेरे बारे में कुछ बताया क्या उसे आपने? नहीं बता सका। वो क्यों? उसी बारे में बताने आया हूं मैं। आपको पूरा हक है जानने का। क्या? मैं जब उस आदमी का पीछा कर रहा था तो उसे गोली लग गई, जिसने सुल्तान पर जानलेवा हमला किया था उसी ने मारी। वो जिंदा है? नहीं मालूम। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जब वापस गए तो जा चुका था वो। ऐसी कौन सी खबर ले आई कि आसन को रुला दिया तुमने? मेरे सुल्तान, मैंने उस आदमी को देखा जो आसन के साथ तस्वीर में था। हमारे सामने गोली मार दी गई उसे। कब देखा? कल रात। वो जख्मी हो गया, हमने हमलावर का ताकुब किया और जब वापस आए तो वो जा चुका था। हमलावर को देखा तुमने? जी बिल्कुल देखा सुल्तान मोहसम, गोली चलाने वाला हिरम था। हिरम? हमला किस जगह हुआ था? बाजार में, लेवन के करीब के इलाके में मेरे सुल्तान। उस लड़के का नाम समीर है और वो साफी है। हिरम ने उसे हमारे जासूस के भेस में गोली मारी है, अखबार में यही लिखा है। हिरम एक साहफी से वो क्या चाहता है? हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तीसरी बार है कि तुमने ऐसा काम किया जो हमारे जासूस भी नहीं कर पाए। तुम्हारा हदफ हिरम को तलाश करना है, ढूंढो उसे। आपके पास कल तक की मोहलत है बिदार खातून, महमूद पाशा के लिए भी यही आखिरी मौका है। वो लोग अंदर एक बम बना रहे हैं, एक बड़ा सा बक्सा है जिसमें बारूद भरा हुआ है और उनकी रहनुमाई कर रहा है हिरम। अपनी जिंदगी और रियासत की हिफाजत के लिए तुम्हें इजाजत है इस्तेमाल की, लो। गोदाम में एक मुलाजमा को छुरी मारी गई थी। हाँ तो? वो मरी नहीं, सबाहद्दीन जिंदा है। सबाहद्दीन जब यहां आए तो आप उसे उस खादिमा का पता बताएंगे अब्दुल कादिर।